पत्तनवासी सावरे की लीला से भले भांति परिचित होंगे और आज हम आपको श्री कृष्ण जी की लीला के बारे में बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा के दर्शन कराने जा रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा जिसके आसपास का क्षेत्र ब्रज भूमि कहलाता है, वहीं गोवर्धन पर्वत जिसे गिरिराज जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार भी कर सकते हैं। ये परिक्रमा दो तरीकों से की जाती है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप परिक्रमा करने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आना दोस्तों बेहद ही आसान है। आप चाहें तो यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय बस या अपना पर्सनल व्हीकल भी ला सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो इसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है मथुरा जंक्शन का, जहाँ से आप बस पकड़ के गोवर्धन बस स्टैंड आ सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आपकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। वहीं दोस्तों बात करूँ बस की, तो मोस्टली सिटियों से बस यहाँ पे इजीली आती हैं, तो बस से भी आप आ सकते हैं। और इस गोवर्धन के आसपास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल मिल जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको होटल की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और वहीं दोस्तों बात करूँ मैं होटल की, तो होटल आपको 300, 400, 500 के रेट में इजीली यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी परिक्रमा की, जो कि 12 किलोमीटर की है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे छोटी परिक्रमा, जो कि 9 किलोमीटर की होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लगने वाला है आपको, और किस तरह का पूरा दोस्तों रास्ता होने वाला है, और उस रास्ते में आपको कौन कौन से मंदिर पड़ने वाले हैं। पूरी दोस्तों कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है। घर बैठे दोस्तों आप पूरी परिक्रमा को आराम से देख सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं, अगर आप मथुरा वृंदावन नहीं आ सकते। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सामने बोर्ड देख पा रहे होंगे, गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। सो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो यात्रा होगी वो यहीं से होने वाली है। दोस्तों अभी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों यार आपको नॉलेज भी बता दूँ कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में कचौड़ी और सब्जी का चलन है। और दोस्तों आप देखते हैं यह है गिरिराज भंडार। सो दोस्तों यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा फेमस, चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो कहाँ कचौड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि मेकिंग इस तरह से दोस्तों कचौड़ी बनाई जा रही है, और उस पर दोस्तों काफ़ी बड़ी कढ़ाई है जहाँ वहाँ पे अभी सुबह सुबह पूरी दोस्तों हमारी कचौड़ी लग रही है। ये कचौड़ी आ गई। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप मीठी चटनी लेंगे तो मीठी चटनी के रूप में आपको सीताफल की सब्जी डाली जाती है। तो मैं खड़ा हूँ बड़ी परिक्रमा की तरफ, और आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरी परिक्रमा की वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप पूरी परिक्रमा करते हैं तो कितना टाइम लगने वाला है, और कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है, और किस किस तरह से दोस्तों पूरा वही होने वाला है, पूरी दोस्तों कम्प्लीट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों वहीं मैं बात करूँ अपने यहाँ से डिस्टेंस की, तो परिक्रमा का डिस्टेंस है वो यहाँ से 21 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा होने वाली है। और दोस्तों जो परिक्रमा है दो भागों में बटी हुई है, बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरे पीछे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है, तो अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है तो हमें 5 गणपत प्रणाम करना होता है लेट के, वो भी दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से होने वाला है। चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। परिक्रमा कर ली पूरी, अब दोस्तों यहाँ से हम करने वाले नॉर्मल परिक्रमा। चलिए चलते हैं और करते हैं परिक्रमा स्टार्ट। सो गाइस, मैंने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, और अब जो दोस्तों पीछे आप बैकग्राउंड में नजारा देख रहे हैं रोड का, ये परिक्रमा मार्ग है। और दोस्तों जैसे कि आपको मैं वीडियो स्टार्ट बताया था, ये 21 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा होने वाली है। सो दोस्तों वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों भी आप ये रोड देख रहे हैं, ये रोड दोस्तों परिक्रमा मार्ग है, और इस साइड दोस्तों गोवर्धन का ये पूरा एरिया है पूरा ये। और दोस्तों जैसे हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हमें काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे दिनों से परिक्रमा करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं, और इनकी परिक्रमा दोस्तों आप देख सकते कितनी कठिन है। सामने थोड़ी सी दूर आने पर
बालाजी महाराज जी की मूर्ति देखने को मिल जाती है। परिक्रमा मार्ग में काफी सारे मंकी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे काफी सारे बंदर हैं। और दोस्तों आप बंदर को चाहे तो यहाँ पे केला खरीद के भी खिला सकते हैं, जगह जगह आपको केले की ठेली देखने को मिल जाएगी, जहाँ से दोस्तों आप केले के बंदर को दोस्तों खिला सकते हैं। और कई आपको छोटे छोटे दूर पे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आपको डिस्टेंस बताया जाएगा कितना मीटर आपने संपन्न कर लिया और कितना बाकी रह गया है। दोस्तों आपको परिक्रमा मार्ग में आपको दो रास्ते देखने को मिल जाते हैं, एक ताकू वाला रोड और एक ये मट्टी वाला रोड। और दोस्तों आप दोनों रोड पर चल सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों नंगे पैर मतलब बिना चप्पल जूते की जो यात्रा करते हैं वो इस मट्टी वाले रास्ते पर करते हैं। अगर आप शूज वगैरह वेयर करके करते हैं तो आप रोड वाले पर कर सकते हैं। चलिए हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों जगह जगह आपको इस तरह की मशीनें लगे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है निःशुल्क जल सेवा। वहीं दोस्तों बात करूं यहाँ पे परिक्रमा की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको परिक्रमा आप चाहे एज ए वॉक कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, या बैटरी रिक्शा भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करूँ बैटरी रिक्शा की चार्ज की, तो अगर दोस्तों आप शेयरिंग में जाते हैं तो पर हेड आपको 100 रुपये लेगा, अगर आप अपना पर्सनल करके जाते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज लेगा, आपको पूरी परिक्रमा करवा देगा। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में आपको काफी सारे लोग पूरे एंड तक दंडवत परिणाम करते देखने को मिल जाएंगे। आपको भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तक लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। सो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ की श्रद्धा कितनी बड़ी है कि इस परिक्रमा मार्ग में लोग कितने कितने सालों तक परिक्रमा करते हैं एज ए लेट के ही, और अपना जिस तरह से उन्होंने मान्यता कर रखी है। सो मुझे बहुत दिन आएगी, 6-7 साल है। 6-7 साल हो गए आपको करते हुए। आज ठाकुर जी को उठा के आप आगे रखते हैं, फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी आपने रखे हुए हैं, कितने ठाकुर जी आपने रखे हुए हैं टोटल? 131। वहीं दोस्तों जो परिक्रमा मार्ग है ये छोटे कस्बों और गांव से होकर गुजरता है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिल जाते हैं। और कहेंगे दोस्तों ये रास्ता बिल्कुल सकारात्मक छोटा हो जाता है, और दोस्तों जैसे ही गांव कस्बों से आगे आता है फिर दोस्तों रास्ता बड़ा हो जाता है और पूरा खुला एरिया आ जाता है, जंगल टाइप का एरिया आ जाता है। मार्ग में आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे आपको। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये शंकरसन कुंड का दर्शन है। श्री बलराम जी ने अपने हल्के स्पर्श से इसका निर्माण किया था, और जो 7 दिनों जो वर्षा हुई थी उसका पानी यहीं पे आके ठहरा था। दोस्तों मार्ग के आपको राइट साइड में आपको इस तरह से पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, ये गोवर्धन पहाड़ है। और दोस्तों ये इस मार्ग के आप साइड साथ चलते रहेंगे, और दोस्तों एक जगह ऐसी भी आएगी जहां से दोस्तों आपको पहाड़ बिल्कुल जस्ट करीब से दिखेगा। तो ये भी आप परिक्रमा कर रहे हो अपनी, तो ये किस हिसाब से करते हो परिक्रमा अपनी? 551 है, तो इसको एक एक आगे बढ़ाते जाते हो। 551 एक जगह है। अच्छा, इनको बाद हम जितना लंबा है इतना ही है। अच्छा। इनको ये पूरी हो जाएगा आवाज से आ जाओ। कितने साल से करते आ रहे हो ये? 8-9 साल से कर रहे हो आप ये? जी वैसे एक चीज मैं बता दूं, आप जैसे आप यहाँ पे एक स्टेप करने में आपको कितना टाइम लग जाता है? 6-7 घंटा। एक परिक्रमा करने में आपको 6-7 घंटे, 6-7 घंटे का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ से पुछारी लोटा की दूरी रह गई 1 किलोमीटर, और जतिपुरा की रह गई 4 किलोमीटर। और दोस्तों जस्ट आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ से दोस्तों राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट होता है, राजस्थान की सीमा आरंभ होती हुई है। जो ये परिक्रमा है वो स्टार्ट हुई थी गोवर्धन से, और गोवर्धन दोस्तों पड़ता है जैसे कि आप जानते हो कि यूपी में। और जो परिक्रमा दोस्तों 4-5 किलोमीटर आने के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे हम राजस्थान में एंट्री कर लेते हैं। और अभी दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, अब दोस्तों जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोस्तों अभी राजस्थान का पूरा एरिया है, और ये परिक्रमा राजस्थान और यूपी बॉर्डर से होके गुजरती है। आपको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी चीज है, अगर आपको कुछ दिक्कत होती तो मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पुछारी का लोटा, और नाम थोड़ा सा अजीब है पर इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। पुछारी का लोटे को भगवान श्री कृष्ण की शाखा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
ये स्थान भले ही छोटा है पर इसका महत्व उतना ही अधिक है। बंदरों से घिरे हुए इस स्थान के बारे में ये भी मानता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगाना अनिवार्य होता है। और वहीं दोस्तों इस परिक्रमा मार्ग पे आपको काफी सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है, चाय कोल्ड ड्रिंक की जो फेमस कचौड़ी जलेबी काफी सारे दोस्तों आइटम्स हैं जो कि दोस्तों आपको परिक्रमा मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलते रहते हैं। सो दोस्तों आपको खाने पीने की दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आगे आने के बाद हाँ हमें इस तरह से एक बड़ा सा विशाल गेट देखने को मिल जाता है। और हिंद दोस्तों सामने हमारे बोर्ड भी दिख रहा है कि जतिपुरा 2 किलोमीटर और गोवर्धन 5 किलोमीटर। सो दोस्तों अपनी परिक्रमा को हम कंटिन्यू रखते हैं। राजस्थान की जो बॉर्डर है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। हार्डली हमने यहाँ से एक से डेढ़ किलोमीटर ही चले हैं और राजस्थान का बॉर्डर फिर समाप्त हो गया है और फिर से दोबारा हमने यूपी वाले बॉर्डर में हमने एंट्री यहाँ से कर ली है। मैंने जो अपनी परिक्रमा थी वो 9:22 पर स्टार्ट करी थी और अभी घड़ी में दोस्तों नेट 11 बज गए हैं और दोस्तों 1.5 घंटे में मैंने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा मैंने कवर कर लिया है। 40% कंप्लीट मैंने कर चुका हूँ अपनी। और तो दोस्तों इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने आपको जो आपको टाइम और किलोमीटर बताया कि इस परिक्रमा को करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो के एंड में पूरा एक दोस्तों बताऊंगा कि कितना मुझे टाइम लगा, कितने घंटे लगे, सब कुछ दोस्तों कवर करके बताऊंगा आपको मैं। तो बाकी दोस्तों भी आप मेरे बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, इस साइड गोवर्धन का पर्वत है और मेरे पीछे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है परिक्रमा मार्ग और बाकी दोस्तों व्यू देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं ठंड में आया हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफी कम यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ना ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा इस जगह को घूमने का, क्योंकि जितने भी टेम्पल जाएंगे आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दोस्तों आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। तो आपको जगह जगह इस तरह से चारा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप चारा खिला के गाय सामने गाय चारा दे सकते हैं दोस्तों। सामने आप देख पा रहे हैं वो है सामने दोस्तों गोवर्धन का पर्वत, जो कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों इस पहाड़ के बिल्कुल करीब आ गए हैं, चलिए दोस्तों आपको आगे चलकर प्रॉपर तरीके से इसका दिखा। पहले गिरिराज जी का बहुत विशाल पर्वत था तो भगवान उनके ऊपर बहुत सारी लीलाएं करते थे, जैसे कि गौचारण की लीला। पहले यह पर्वत बहुत विशाल था लेकिन अब कलयुग के कारण दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस साइड है गोवर्धन का पर्वत और इस साइड दोस्तों है एक कच्चा रास्ता जो कि मैंने दोस्तों चॉइस करा है और इसके जस्ट दोस्तों जो परिक्रमा का नॉर्मल रास्ता वो है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आए तो एक कच्चा वाला रास्ता जरूर चॉइस करना, क्योंकि दोस्तों ये रास्ता जंगल से होते गुजर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे छाया वगैरह भी है और रास्ता भी काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आप नंगे पैर आते हैं। और दोस्तों इस रास्ते से होकर गुजरने से आपको जो गोवर्धन का पहाड़ है और करीब देखने को मिलता है, तो जब भी दोस्तों आप आएँ तो इस रास्ते को ही चॉइस करना बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो गाइस जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये है गोवर्धन का पर्वत, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी काली उंगली से उठाया था और उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे जो गवाले थे इसके ऊपर आपने गाय चराते थे और उसके दोस्तों सबूत अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से दोस्तों ये पूरा बना हुआ है जिस तरह है यहाँ पे दोस्तों अभी भी आपको जगह जगह गाय वगैरह चरती दिख जाएंगी। सो दोस्तों अगर आप आए तो इस जगह जरूर आना। सो गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना खूबसूरत जंगल सा पूरा बना हुआ है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन से पेड़ है और उस पेड़ के नीचे से हमें होकर गुजरना, कितना खूबसूरत दोस्तों दृश्य है। हमारा कच्चा रास्ता था उसका दोस्तों यहाँ से मार्क होता है एंड अब दोस्तों दोबारा से आ गए अपने नॉर्मल वाले रास्ते पर जो कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पकड़ा था, ये रोड वाला रास्ता और मट्टी वाला रास्ता। तो यहाँ से अब छोटी परिक्रमा 500 मीटर पर ही है, यानी कि दोस्तों जो हमारी बड़ी परिक्रमा है खत्म होने वाली है। गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, सो अभी हम कहाँ गोलगप्पे खाने वाले हैं। पानी की काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है और 10 के 5 गोलगप्पे होने वाले हैं, चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं गोलगप्पे को। ये कौन सा वाला भैया? हिंग वाला। सो दोस्तों भी हिंग वाला गोलगप्पा है। ये कौन सा पानी भैया? ये पुदीना वाला पानी है। पानी हाजमा, अच्छा हाजमा आजम मीठा पानी है दोस्तों आजम। अभी कौन सा पानी भैया? जलजीरा पानी। तो दोस्तों आ गया जलजीरा पानी वाला, रेगुलर है तो दोस्तों आ गया रेगुलर वाला। सो गाइस टोटल दोस्तों मुझे 3 घंटे में मैंने बड़ी परिक्रमा पूरी कर ली है और दोस्तों मैं ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ से दोस्तों परिक्रमा खत्म हो चुकी है और दोस्तों जस्ट अब इस साइड तक रहे छोटी परिक्रमा हमारी स्टार्ट होने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि छोटी परिक्रमा पर।